सवाल ये है कि इतनी बड़ी खिलाफवर्जियाँ होती है, दीदा दिलेरी से लोग मामला कर रहे होते हैं पोलिंग स्टेशन के आसपास और अंदर और बाहर दोनों जगह पे, आप लोगों की तरफ से एक्शन भी लिया जाता है, FIR करने की बातें भी होती हैं, वो अक्स भी आ जाते हैं हमारे पास कि FIR करनी, निशाने इबरत क्यों नहीं बनाते किसी कानून की खिलाफवर्जी करने वाले को? इलेक्शन कवानीन ऐसे बेहतर नहीं है या मतलब कोई मसला है आप लोगों को? कोई एक कोई मिसाल बताएं मुझे, NA-240 की हो, किसी और की हो, इंतखाब की, ऐसे लगता है जैसे आप इन खिलाफवर्जी करने वालों के दोस्त हो। अच्छा, जो आपने फरमाया ना जी 240 में टर्न आउट के हवाले से, अब देखिए बात यह है कि टर्न आउट वोटर अवेयरनेस तो एक एस्पेक्ट है, लेकिन पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको जगाना, उसमें तो सारे आपका भी उतना ही रोल है जितना हमारा है। तो हमारी तो कोशिश होती है, अगर आप देखें हमने हर तरह से एडवर्टाइज़ भी किया है, सोशल मीडिया पर भी हम गए हैं, कुछ मेरा ख्याल है गर्मी का भी फैक्टर होता है, कुछ जनरली लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, लेकिन मेरा ख्याल है ओवरऑल टर्न आउट अगर आप देखें तो दूसरे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में ख़ास तौर पे KP में बहुत ज़्यादा था टर्न आउट, और इंटरेस्ट भी आप देख रहे हैं और बढ़ता जा रहा है। एज़ फार एज़ ये जो अभी लेटेस्ट हुआ है इसमें इस पर हम देखेंगे, एनालाइज़ करेंगे क्या वजूहत थी, क्यों नहीं लोग आए, लेकिन ये है कि हमारा तो ज़ाहिर है हम तो इस वक्त भी बलूचिस्तान और यानी इंटीरियर बलूचिस्तान में जा के वोटर टर्न आउट बढ़ाने के ख्वाहें और कोशिश कर रहे हैं कि ख़ास तौर पे जेंडर के अतबार से वहाँ पे टर्न आउट जो है ज़्यादा हो, क्योंकि वहाँ पे क्लासिकली बहुत कम है। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है, हम नादरा के साथ भी पार्टनरशिप कर रहे हैं, वोटर्स की रजिस्ट्रेशन जो है कार्ड की वो भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है, उसके अलावा जो आपने कहा कि डिटरेंट एक्शन जो है, रूल्स जो हैं वो देखें, हमने मुकदमात जो है अभी डस्का का भी चल रहा है मामला, और बाकी जहाँ पे भी रूल्स की या लॉ की वायलेशन होती है उनके खिलाफ एक्शन तो फौरन लिया जाता है। और अगर आप देखें एट एन एवरेज जितना मेरा ख्याल है इस कमीशन के दौर में केसेस रजिस्टर हुए हैं, पहले शायद कभी भी ना हुए, लेकिन यस ये आपकी बात ठीक है, फाइन्स की नस्बत कम है लेकिन हम उनको भी बढ़ाया हमने, और मज़ीद पनिशमेंट्स की जो है वो जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ज़ुमरे में आती है तो हम कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि